व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई यहाँ पर। ओनली डेड फिश गो विद फ्लो। अगर आप जिंदा इंसान है, वाकई में जिंदा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सांस ले रहे हैं तो जिंदा है, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अगर आपके अंदर इतनी ताकत है कि जो भी मुझको चाहिए उसको अचीव करना है, तभी आप लोग एक अच्छे इंसान कहलाने के लायक है। वरना अगर आप लोगों को जो मिल रहा है समय के हिसाब से आप लोग बस उसी को ले रहे हैं, जो आपको चाहिए वो आप लेने के अपने आपको कैपेबल नहीं बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल मरी हुई मछली के तरीके से हैं। जिधर को पानी चलेगा उधर को ही चल देंगे, जिधर को भीड़ चल रही है हम भी उधर को ही चल देंगे। अपना खुद का एक गोल नहीं बनाएंगे, अपना खुद का एक रास्ता नहीं बनाएंगे, जो ऑलरेडी चीजें चल रही हैं उसी के हिसाब से चलते रहेंगे। नया क्या करना है यार, छोड़ो ना, जो चल रहा है उसको चलने दो, हमें क्या टेंशन लेनी है। अगर इस तरीके का रवैया होगा तो फिर वही होने वाला है जो मरी हुई मछली का पानी के अंदर होता है। जहां जहां पानी चलता रहेगा, जिस एरिया में वो गिरेगा, उस एरिया में वो उस मछली को लेकर चलता रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि मरी हुई मछली की तरह न बनिए, अपना खुद का एक अस्तित्व रखिए, जो चीज आप लोग चाहते हैं लाइफ से उसको अचीव कीजिए। ये नहीं है कि जो आपको सोसाइटी से मिल रहा है बस वो आपको अपने पास में रखना है, आपका खुद की भी एक एम्बिशन होनी चाहिए, आपका खुद का एक गोल होना चाहिए जो आपको चाहिए, और फोकस उस पर होना चाहिए, ना कि जो टाइम आपको देके चला जाए वो आप लोग अपने पास रखें। तो इस तरीके से अपनी लाइफ को आपको अपने डायरेक्शन देनी है। 28 फरवरी है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आखिरी दिन भी है इस मंथ का। तो कल से एक आपके सामने एक नए दिन की शुरुआत होने वाली है, नए महीने की शुरुआत होने वाली है। तो अपने आपको गाइड कीजिए, अपने आपको डेडिकेट कीजिए और फिर से अपनी लाइफ में एक नया रंग और नई उमंग लाने की कोशिश कीजिए। ओके, तो नैनो मैगजीन के तहत हम लोग पीआईबी देखेंगे, योजना देखेंगे, ऑल इंडिया रेडियो देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगा और कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। आज है 28 फरवरी। 28 फरवरी को हमारी कंट्री में नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये कनेक्टेड किन से है? ये श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन जी से कनेक्टेड है। आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। इन्होंने डिस्कवरी की थी रमन इफेक्ट की। रमन इफेक्ट आप लोगों को नाम दूसरा सुना होगा आप लोगों ने इसका, रमन स्कैटरिंग भी इसको बोला जाता है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, इन्हीं से कनेक्टेड है यहाँ पर नेशनल साइंस डे जो हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी जो करंट में चल रहा है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जो करंट की थीम है यहाँ पर साइंस एंड द टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर, ये थीम जरूर याद रखिएगा। खासकर करंट की जो थीम होती है उस ईयर की, ये कई बार पूछ ली जाती है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा नेशनल अवार्ड भी हमारी कंट्री में दिया जाता है 2009 से, जो विक्रम साराभाई ये कम्युनिटी साइंस सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा कंट्रीब्यूशन के लिए यहां पर दिया गया। इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कई बार यहां पर अवार्ड दिए जाते हैं हमारी कंट्री में। तो नोबेल प्राइज यहाँ पर इनको फिजिक्स में दिया गया था, और इसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा इनको नोबेल प्राइज 1930 में मिला था, ठीक है। इसके बाद में 1954 में इनको मिला था भारत रत्न, तो भारत रत्न से भी इनको नवाजा जा चुका है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और फिर इसको इनको 1947 में फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी भी मिला था, इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। इस तरीके के भी कई बार अवार्ड पूछ लिए जाते हैं। ओके, ये अवार्ड यूके का है, लंदन का, इसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट डे है, खासकर साइंस स्टूडेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट बनी जाता है, थोड़ा याद रखिएगा और थीम वगैरह जरूर याद रखिएगा। पीएनबी काफी न्यूज में, आप लोगों को पता है पीएनबी में घोटाले की वजह से, नीरव मोदी के घोटाले की वजह से, फ्रॉड की वजह से ये न्यूज में है। तो इसलिए पीएनबी से जुड़ी हुई काफी स्कीम यहां पर जो चल रही है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ा फोकस दे लेते हैं यहां पर, बात करते हैं सोलर रूफ प्रोजेक्ट की। तो सोलर रूफ प्रोजेक्ट क्या होता है? जो छत पर हम लोग सोलर सिस्टम लगाते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं, आप लोग यहां पर पिक्चर में देख सकते हैं, जो छत पर आप लोगों को नॉर्मली सोलर पैनल की प्लेट देखने को मिल जाती है, उसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है यहां पर। बात क्या की जा रही है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक और पीएनबी ने साइन किया था 100 मिलियन का लोन फाइनेंस करने के लिए, जो सोलर रूफ होती है उनके ऊपर, सोलर के जो छतें होती है उनके ऊपर ये सोलर पैनल लगाने की बात की गई थी, ठीक है। तो दोनों का याद रखिएगा, इंडियन ये यहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में पीएनबी, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर ये प्रोजेक्ट किया गया था। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में एक टारगेट है। टारगेट क्या है कि हम लोगों को 175 गीगावाट जो अचीव करना है 2022 तक, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा सोलर का ही 100 गीगावाट है। और 100 गीगावाट को अगर फिर से डिवाइड करते हैं तो 40 गीगावाट आप लोगों को देखने को मिलेगा छत के ऊपर जो ये सोलर पैनल लगाए जाते हैं वो है। तो इस तरीके से डिवाइड करके भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अल्ट्रा मेगा पार्क, जो बड़े बड़े सोलर पार्क राजस्थान में आप लोगों ने सुना होगा, जो बड़े बड़े सोलर पार्क बनाने की बात की जा रही है, और यूटिलिटी स्केल के ऊपर जो प्रोजेक्ट छोटे छोटे लगाए जाने हैं उसके ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये थोड़ा डिवाइड करके भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहां पर विंड, ये 60 जीबी। इसके अलावा बायोमास यहां पर 6 जीबी है, और स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो होते हैं वो 5 जीबी है। तो ये पूरा टारगेट आप लोगों के सामने है, कितनी कितनी कैपेसिटी है और क्या क्या यहाँ पर सारे याद रख सकते हैं, कई बार मैच करने के लिए आ सकते हैं आप लोगों के लिए कि सोलर सबसे ज्यादा है, विंड सबसे ज्यादा है, बायोमास सबसे ज्यादा है, फिर हाइड्रल प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा है, घटते हुए क्रम में लगाओ या फिर बढ़ते हुए क्रम में लगाओ। देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, चीजें आप लोगों को सारी पता होती है ऑलरेडी, बस ये क्या है
उस टाइम पर एट द टाइम ऑफ द क्वेश्चन आप लोग किस तरीके से अपने माइंड को कन्वर्ट कर पा रहे हैं, डाइवर्ट कर पा रहे हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो सबसे बड़ी बात होती है। वरना सारी चीजें आप लोगों के सामने पड़ी हुई आएंगी और आप लोग समझ में नहीं पाएंगे क्या चल रहा है इसमें, अगर आप लोग ढंग से कॉन्सेप्ट समझ कर नहीं जाएंगे तो। और ये सोलर की अगर बात करें तो ये भी टारगेट ऐसा नहीं है कि एकदम जाकर 100 यहाँ पर गीगावाट हो जाएगा, इसका अलग अलग से टारगेट है। 17 में 17 गीगावाट तक था, 18 में 32 हो गया, 19 में 48 हो गया, 65 में यहाँ पर 22 में 65 देखने को मिलेगा और 21 में आप लोगों को 82.5 और 2022 में जाकर यहाँ पर इसको 100 गीगावाट करना है। इससे पहले बहुत कम था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आकर थोड़ा एक्सपोनेंशियल ग्राफ यहाँ पर आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आया होगा, खासकर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आप लोग देख सकते हैं और हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, खासकर जब दिल्ली की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो कुछ ने कुछ यहां पर इन चीजों का सोल्यूशन निकाला जाए उसी के लिए यहां पर फोकस दिया जा रहा है। और अगर कंपेयर करूं यहां पर 2017 के साथ में 2022 को, तो पिक्चर कुछ आप लोग ऐसी दिखने वाली है। सोर्स ये कहां से है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सोर्स है। आने वाले टाइम में पिक्चर ऐसी दिखने वाली है। आज के डेट में सबसे ज्यादा जो यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी है हमारी कंट्री में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट याद रखिएगा, सबसे ज्यादा विंड एनर्जी है, दूसरे नंबर पर सोलर है, तीसरे नंबर पर बायोमास है और यहां पर चौथे नंबर पर पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी जो हाइड्रल प्रोजेक्ट की पावर है। तो इस तरीके से घटता हुआ क्रम आप लोगों के सामने है ये, इसको याद रखिएगा। आने वाले टाइम में 2022 तक कैसा होने वाला है, तो सोलर पावर यहां पर सबसे ज्यादा दिखाई नजर आएगी आप लोगों और यहां पर विंड पावर दूसरे नंबर पे आएगी, तीसरे नंबर पे बायोमास रहेगी और चौथे नंबर पे रहने वाली है। मतलब इनका जो जगह है वो चेंज करने की कोशिश की जा रही है, सोलर को विंड से चेंज करने की कोशिश की जा रही है। मतलब सबसे ज्यादा सोलर पैनल पे फोकस किया जा रहा है, सोलर पावर पे फोकस किया जा रहा है। अगर ये जाकर हो जाएगा 175 गीगावाट जो कि 2022 का टारगेट है, आज के 57 गीगावाट है, 2017 की बात की जाए 18 में आ चुके हैं, थोड़ा बढ़ गया होगा पर लेकिन इतना लार्ज स्केल पे नहीं, पर टारगेट ये है। ओके, तो थोड़ा सा ये माइंड में रखिएगा और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है अभी 2022 तक पता नहीं आप लोग कितनी बार पेपर देंगे, तब तक आप लोगों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता रहेगा, तब तक हम लोग इसको अचीव नहीं कर लेते, क्योंकि बार बार इस तरीके की बातें आप लोगों से पूछी जाती है, क्यों ना एक बार इसको पढ़ के साइड में कर दिया जाए, आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी ढंग से, अगर कभी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन या इंटरव्यू में पूछा जा रहा है आप लोग आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। एंटायर जो प्रोजेक्ट की एंटायर कॉस्ट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी 1 बिलियन है यहाँ पर, और लगभग एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पर इसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा आधा लोन लगभग पे कर रहा है यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक। कहीं ना कहीं इंप्रूव करेगा सिचुएशन क्लाइमेट चेंज या रिड्यूस करेगा ग्रीन हाउस गैस को भी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी हमारी पृथ्वी पर बढ़ती है और गर्मी यहाँ पर जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने की बात की ही जा रही है वो तो आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आप लोग देखते हैं 40 गीगावाट का 2022 तक ये रूफ कैपेसिटी बढ़ाने की है जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाई। ठीक है, अगर बात कर लेते थोड़ा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, हेडक्वार्टर इसका बेस आप लोगों को देखने को मिलेगा मनीला में, फिलीपींस में है ये, और पूरा इसका गोल क्या रहता है, किस तरीके से पॉवर्टी हम लोगों को रिड्यूस करनी है एशिया और पैसिफिक वाले रीजन में। मतलब एशिया और पैसिफिक आप लोग देख सकते हैं, खासकर यहाँ पर आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा तो एशिया पैसिफिक इस वाले रीजन की यहाँ पर बात की जाती है। तो माइंड में आप लोगों के एकदम जैसे ही कोई वर्ड बोलूं उसका आप लोगों के माइंड में एकदम पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए। ओके, एस्टैब्लिश किया गया था 1966 में, आज के डेट में 67 मेंबर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। अगर फोकस किया जाए तो 5 सेक्टर है जहां पर ये पूरा फोकस देकर चलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, यहां पर इन्वायरमेंटल इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज पर फोकस किया जाता है, किस तरीके से कंट्रोल करना है, रीजनल कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन करके चलते हैं, मतलब पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके से कोऑपरेट किया जा सकता है आगे बढ़ने के लिए। फाइनेंशियल सेक्टर में फोकस किया जाता है डेवलपमेंट के लिए और एजुकेशन में फोकस किया जाता है। तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग बोल सकते हैं गरीबी को मिटाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट की जाती है और अलग अलग सेक्टर में यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि किसी भी कंट्री में यहां पर अच्छे लेवल का एनवायरमेंट बनाया जा सके। ओके, तो ये था इस प्रोजेक्ट के बारे में, पीएनबी की वजह से और भी ज्यादा न्यूज में आ रही है चीजें, तो इंपॉर्टेंट इस तरीके के प्रोजेक्ट हो जाते हैं। बहुत बार आप लोगों ने स्लोगन सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। स्कीम इंपॉर्टेंट है काफी और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों के सामने है। स्लोगन सुना ही होगा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए ये एक कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल सोसाइटी जो हमारी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब आज के में जो हमारी सोसाइटी है, जो लोगों के मतलब जो मैन है, जो मेल कम्युनिटी है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड रहती है और उसी का ज्यादा यहाँ पर चलती है दुनियादारी। कहीं ना कहीं वो पैट्रियार्कल जो सोसाइटी वाला सिस्टम है उसको माइंडसेट को चेंज करने की बात की जाती है, क्योंकि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो चेक करने की कोशिश की जाती है कि लड़का है लड़की है, अगर लड़की है तो उसकी हत्या कर दो और लड़का है तो उसका लालन पालन किया जाए। तो ये एक्ट है जो इसको रोकता है, PCPNDT एक्ट, इसको याद रखिएगा, इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, एडवांस करने की बात की जा रही है, एडवांसिंग एजुकेशन फॉर द गर्ल्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए, क्योंकि पढ़ी लिखी रहेगी अगर लड़की तो वो समझ पाएगी क्या सही है क्या गलत है। तो वुमेन एम्पावरमेंट की डायरेक्शन में भी आप इसको एक कदम बोल सकते हैं। ये कोई भी ऐसा नहीं है कि बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, कोई यहां पर पैसा ट्रांसफर किसी को किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यहां पर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, नोट ए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टेटमेंट इस तरीके की डाल देते हैं।
ये जो स्कीम है ये स्टार्ट की गई थी 2015 में, और स्टार्ट कहां से की गई थी ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्यों? पानीपत हरियाणा से स्टार्ट की गई थी। और आप लोगों को देखने को मिलेगा जब बात आती है चाइल्ड सेक्स रेशियो की, तो सबसे कम आप लोगों को यहां पर हरियाणा में देखने को मिलता है, तो कम से कम उसको चाइल्ड सेक्स रेशियो को बढ़ाया जाए, हालांकि अब इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसी के ऊपर फोकस करने के लिए यहां पर ये पानीपत से स्कीम स्टार्ट की गई थी। प्रमोट करती है जेंडर इक्वलिटी को, मतलब लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस आप लोगों को नहीं करना चाहिए, चाइल्ड सेक्स रेशियो को बढ़ाना है, और इस तरीके से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तीन मिनिस्ट्री यहां पर मिलकर काम कर रही है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तीन मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। सेकंड मिनिस्ट्री कौन सी है? हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर। थर्ड मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तीनों मिनिस्ट्री का आप लोग नाम याद रखिएगा, तीन मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया यह प्रोजेक्ट है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर न्यूज में भी काफी रह चुका है, तो इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। INS कलवरी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। INS कलवरी का नेम पड़ा है यहाँ पर आफ्टर द टाइगर सार्क, सार्क के ऊपर यहाँ पर नाम पड़ा है, इसको टाइगर सार्क बोला जाता है, जिसके नाम पर इसके यहाँ पर INS कलवरी नाम पड़ा हुआ है। ये बनाने की बात की जा रही है एम्बिशियस प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। इंडियन नेवी के द्वारा सबमरीन बनाने का प्रोग्राम चल रहा है, मतलब पनडुब्बी बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। आप लोग थोड़ा पिक्चर में भी इसको निहार सकते हैं, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था, थोड़ा सा इसके बारे में याद जरूर रखिएगा। आगे बात क्या की जा रही है, आगे बोला जा रहा है यहाँ पर ये कई जगह काम हो सकती है, लड़ाई के समय में काम किया जा सकता है, एंटी सबमरीन या फिर सरफेस पे वार हो रही है, फिर समुद्र में वार हो रही है, माइनिंग करने में हो रहा है, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, सर्विलेंस के लिए, तो कई एरिया में इसका यूज किया जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और इस तरीके की 6 सबमरीन बनाने की बात की जा रही है प्रोजेक्ट 75 के तहत, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट 75 किस किस के द्वारा चलाया जा रहा है ये याद रखिएगा। ये है मझगांव डॉक लिमिटेड, एक तो ये है कंपनी, दूसरा है यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहां से हो रही है, फ्रांस से। तो इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को चला रही है, जिसके तहत 6 स्कॉर्पियन सबमरीन यहां पर बनाई जाएंगी, पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप लोग इसके बारे में, खासकर डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये आप लोग याद रखते हैं, स्पैरोइट्स के बारे में बात की जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ये क्या है, ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें यहाँ पर जो इंडियन ट्रेड सर्विसेज है ITS के ऑफिसर्स जो हैं, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो अप्रेजल बोलते हैं इसको, मूल्यांकन, मतलब जो एनुअल जो कोई भी यहाँ पर परफॉर्मेंस होती है उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसकी रिपोर्ट जो सबमिट करेंगे, APAR, ये याद रखेगा, APAR एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। और यहां पर ये भी स्पैरो भी याद रखेगा, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, ठीक है। किससे कनेक्टेड है ये? इंडियन ट्रेड सर्विसेज से ट्रेड कनेक्टेड है, सारी चीजें यहां पर ऑनलाइन की जाएगी, इसी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, सारे रिकॉर्ड गैदर करेगा, और सब कुछ जो पहले मैनुअली हुआ करता था, मतलब कॉपी रजिस्टर बनाया करते थे, और आप लोगों को कई बार सुनने को भी मिलता होगा कि गवर्नमेंट के ऑफिस में आग लग गई और बहुत सारे इंपॉर्टेंट दस्तावेज जलकर राख हो गए, तो इन दस्तावेज को बचाने के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर डिजिटल की फॉर्म में ये सारी चीजें हमारे पास में अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, डिजिटली सिग्नेचर यहाँ पर चीजें अवेलेबल प्रोवाइड कराई जाएगी, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका यूज किया जाएगा। तो सारी चीजें यहाँ पर जब ऑनलाइन रहेगी तो ये भी रहेगा, कहीं पर भी किसी को भी चेक किया जा सकता है, किसी भी टाइम पर देखा जा सकता है कहाँ पर क्या फ्रॉड हो रही है, कितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कहाँ पर जा रहा है, कहाँ से क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो सब चीजें यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल होंगी आसानी से, अगर सब कुछ यहाँ पर एक सेंट्रलाइज सिस्टम में यहाँ पर अपलोड की जा रही है और प्रोवाइड करी जा रही है, तो कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और करप्शन भी बहुत कम होता हुआ नजर आएगा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती नजर आएगी। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा इसके बारे में याद रख लीजिएगा, कई बार एक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, पीछे पूछ लिया जाएगा ए का क्या मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, खासकर अगर बैंकिंग और SSC की तैयारी कर रहे हैं, और अगर बात करें UPSC की तो किस लिए बनाया गया है वो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके से आप लोग फोकस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये SSC के लिए फायदेमंद है क्या, बैंकिंग के लिए फायदेमंद है क्या, लेक्चर हर एक इसके लिए फायदेमंद है, बस आप लोग देखिए आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी करें अपने काम की इन्फॉर्मेशन आप लोग अपने पास रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा एक वो कहते हैं कि एक कहते हैं कि ना वो एक अच्छे वाली पढ़ाई करते हैं, इंटेलिजेंट स्टडी करते हैं, तो थोड़ा सा उस पर फोकस दीजिएगा आप लोग। कई बार स्टेट स्पेसिफिक स्कीम पूछ ली जाती है, खासकर अगर वो कनेक्ट हो जाती है यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर, तो आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम यहाँ पर लॉन्च करने की बात की जा रही है। क्या काम करेगी ये? डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक स्कीम होगी, मतलब पूरे कंप्लीट स्टेट पर फोकस नहीं करेगी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पर फोकस देकर चलेगी, डिस्ट्रिक्ट का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। और ये बात की जा रही है आने वाले टाइम में, ये हर साल लगभग कोशिश की जा रही है जनरेट करने की 5 लाख जॉब, तो आने वाले टाइम में 5 साल में लगभग 25 लाख जॉब क्रिएट की जाएगी यहाँ पर।
किया क्या जाएगा यहाँ पर, लगभग 25,000 प्रोवाइड कराए जाएंगे लोकल क्राफ्टमैन, ये एंटरप्रेन्योर है उनको आने वाले 5 साल तक, मतलब हर कोई इंसान अगर कुछ काम करना चाहता है तो उसको 25,000 रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि वो कोई भी काम स्टार्ट कर सके और खुद भी जॉब दे और दूसरों को भी जॉब दे सके, कुछ ना कुछ धंधा स्टार्ट कर सके। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये देखा जाएगा और कम से कम ये आशा लगाई जा रही है कि इससे स्टेट की जीडीपी 2% बढ़ने की बात की जा रही है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज और बहुत सारे अलग अलग एरिया के आदमी यहाँ पर मिलकर कम काम करेंगे, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में यहाँ पर काम किया जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर मार्केट को उठाने की कोशिश की जा रही है, खासकर उत्तर प्रदेश के पर फोकस ज्यादा रहेगा यहाँ पर, तो पूरा फोकस यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर रहेगा। स्कीम का नाम याद रखेगा, कितने पैसे प्रोवाइड कराने हैं, कितनी जॉब क्रिएट करनी है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये माना जा रहा है कि 2% स्टेट की जीडीपी बढ़ाने का भी ये काम कर सकती है। नीचे समरी पॉइंट पे आप लोग देख सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है, एंटायर स्टेट की डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक स्कीम रहेगी, फोकस देगी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो भी यहाँ पर कंट्री में है उन पर फोकस देकर चली जाएगी, खासकर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक रहेंगी चीजें, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पर यहाँ पर अडेप्ट करेंगी न्यू टेक्नोलॉजी को ताकि अच्छे लेवल पर यहाँ पर कंपटीशन भी प्रोवाइड कराया जा सके। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा 25 लाख यहाँ पर जॉब क्रिएट करने की बात की जा रही है 5 साल में, और 2% स्टेट की जीडीपी भी यहाँ पर बढ़ाने का काम करेगी। तो यूपी वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट स्कीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। बात कर लेते हैं आज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के बारे में, काफी न्यूज में था, खासकर आप लोगों ने देखा होगा फ्रॉड के बारे में भी ये न्यूज में आया हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस्टेब्लिश किया गया था लाहौर में, जो आज के डेट में पाकिस्तान में है, और करेंटली आज आपकी करेंटली आप लोगों को देखने को मिलेगा ये कहां पर है इसका हेडक्वार्टर, ये है जिसको आप आज के डेट में गुरुग्राम बोलते हैं और नॉर्मली गुरगांव बोलते हैं, ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ये 19 फरवरी 1946 में ये इसको एस्टेब्लिश किया गया था, लगभग 75 साल इसको पूरे हो चुके हैं। टैगलाइन आप लोगों को देखने को मिलेगा वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड, तो ये टैगलाइन आप लोग याद रख सकते हैं, कई बार इस तरीके की बातें पूछ ली जाती हैं, मतलब यहां पर क्या है इस टैगलाइन का आप लोग देखते हैं, यहां पर भी लिखा हुआ है जहां प्रत्येक कर्मचारी प्रतिबद्ध है, ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा याद रखिएगा इसके बारे में, कई बार अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मुकेश कुमार जैन सीईओ एमडी है यहां पर, ये भी खासकर बैंकिंग में खासकर फंक्शन इस तरीके जो आती है ना, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, खासकर इस तरीके जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है बैंकिंग में जरूर पूछी जाती है, तो अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर थोड़ा आप लोग ध्यान से सुना कीजिए जब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात की जाती है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आप लोग के लिए यहाँ पर, यह है सुंदर नर्सरी, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, नाम भी सुंदर है तो कम से कम सुंदर तो देखने में आप लोगों को लगेगी ही लगेगी। और देखिए हुमायूं टॉम्ब के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, हुमायूं टॉम्ब आप लोगों को देखने को मिलता है दिल्ली में, इसी के पास में ये आप लोगों को देखने को मिलेगी सुंदर नर्सरी, ये आप लोगों को पता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दिल्ली में, इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। ओरिजिनली इसको बुलाया जाता है आजम बाग के नाम से, ओके, और इसको जो बनाया गया था, अगर आप लोग कहीं भी गार्डन का नाम आ जाता है ना तो आप लोगों को नॉर्मल आग बंद करके आप लोग बोल सकते हैं मुगलों के द्वारा बनाए गए थे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत रंगीन मिजाज आदमी हुआ करते थे, तो मुगलों के द्वारा 16th century में ये बनाए गए थे, और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा आज के डेट में प्रोटेक्टेड किया जाता है आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, और भी कई सारे नाम दे रखे हैं इनके साथ में, आप लोग देखते हैं 9 हेरिटेज साइट जो मॉन्यूमेंट है इसके साथ में कंटेन की गई है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इसको एस्टैब्लिश किया गया और कई सारी चीजें इसमें लगाई गई, मतलब एक तरीके से एस्टैब्लिश तो किया गया था पहले, पर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल और ज्यादा फोकस यहां पर किया गया, कई तरीके एक्सपेरिमेंटल प्लांट यहां पर लेके आए गए, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे अगर आप लोग देखें ये प्रोजेक्ट है रिस्टोरेशन का, अगर काम किया बात करी जाए यहाँ पर आगा खान ट्रस्ट कल्चर के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD के द्वारा करेंटली इसको रन किया जाता है, तो कई बार ये बात पूछ ली जाती है किसके अंडर में कंट्रोल में है, कौन इसको चला रहा है, तो इस तरीके की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है। कई तरीके यहाँ पर रिस्टोरेशन किए गए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड आप कई तरीके यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंप्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम करते हैं, और कई बार आप लोग कई सारी चीजें इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाती है जो कई सारे पेड़ पौधे आप लोग कहीं नहीं देखने को मिलते हैं, कई बार जैसे आप लोग मुगल गार्डन जाएंगे या इस तरीके जो कहीं नर्सरी में जाएंगे तो आप लोगों को वो देखने को मिल जाते हैं, तो काफी फोकस इस पर दिया जाता है। कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा दूसरी कंट्री से लाकर भी यहाँ पर पौधे रखे जाते हैं, हमारी कंट्री में उनके लिए सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं रहता है, तो उनके लिए इस तरह का सुटेबल इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कराया जाता है टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि यहां पर उनको उगाया जा सके, तो यहां तक मशक्कत करनी पड़ती है सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो देखिए कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है, आप लोगों को देखने को मिलेगा उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत लगी होती है, तो इसलिए चीजों को अप्रिशिएट किया कीजिए अगर कहीं पर इस तरह की एक्टिविटी कोई भी देखते हैं तो, और अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया कीजिए अगर कहीं पर आप लोगों को कुछ भी एक्टिविटी देखने को मिलती है तो।
काफी न्यूज में रहता है मुल्ला पेरियार डैम, इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसके बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए, लोकेटेड है केरला में, पर लेकिन ऑपरेटेड किया जाता है और मेंटेन किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा, तो ये इसलिए इंटरेस्टिंग थोड़ा हो जाता है। मुल्ला पेरियार डैम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एक ग्रेविटी डैम है और पेरियार रिवर पे ये बनाया गया है और स्टेट केरला में ये सिचुएटेड है। किस रेंज में है ये वेस्टर्न घाट आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री का, वहां पर आप लोगों को यहां पर ये लोकेशन सिचुएटेड है, ये बोला जाता है यहां पर कार्डोमेन हिल, कार्डोमेन हिल वाला यहां पर ये एरिया है। ठीक है, तो कई बार लोकेशन आप लोगों से पूछ ली जाती है, उस एरिया की हिल वगैरह कई बार पूछ ली जाती है, तो ये भी याद आप लोग रख सकते हैं। इसके साथ में आप लोग ये भी याद रखते हैं किसके द्वारा बनाया गया था, ये कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन पिनेस्की यहां पर नाम याद रखेगा, थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं, थोड़ा सा प्रोनंसिएशन गलत सा है पर फिर भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेगा, जेपी याद रख लीजिएगा, टोकर लगा ना वैसे याद नहीं रख पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं थोड़ा सा कि अरेंजमेंट की गई थी किस तरीके से यहां पर डोनेट किया जा सकता है पानी को तमिलनाडु को, तो इसलिए तमिलनाडु के कंट्रोल में होता है और यहां पर आप लोगों को पेरियार नेशनल पार्क भी नजर आएगा। ठीक है, तो लोकेशन याद रख सकते हैं यहां पर, यह है थिक्केडी, तो ये लोकेशन है जहां पर ये पेरियार आप लोगों को नेशनल पार्क नजर आएगा जो कि सराउंडेड है यहां पर डैम के आसपास में। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, खासकर अगर न्यूज में रहता है तो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसी बहाने आइए थोड़ी नजर पेरियार नेशनल पार्क पर भी डाल लेते हैं। इसी के बहाने से पेरियार नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पर, प्रोटेक्टेड एरिया है यह थिक्केडी इन केरला। ठीक है, तो केरला नाम याद रखिएगा थोड़ा। इसके अलावा ये एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व नोटेबल आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, ये कनेक्टेड है इससे। डिक्लेयर किया गया था पेरियार नेशनल पार्क 1982 में और आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा दो रिवर, पेरियार और ये पंबा, तो दूसरा रिवर भी आप लोग याद रख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट रिवर है इसके आसपास में। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिली है और कार्डोमेन हिल में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट में पड़ती है। ठीक है, बॉर्डर आप लोगों को तमिलनाडु यहां पर देखने को मिलेगा। तो कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हो गई है, तो थोड़ा सा इसका रिविजन आप लोग जरूर करते रहिए। पास में बहुत सारे नेशनल पार्क पढ़ा चुका हूं, रिवर पढ़ा चुका हूं, बहुत सारी लोकेशन बता चुका हूं, रिविजन जरूर करते रहिए अगर आप लोग रियली चाहते हैं कि इनको अच्छे से आप लोगों को यूटिलाइज करना है। जो नए फैमिली मेंबर जुड़े हैं उनको बता दूं, हम लोग यहाँ पर पॉलिटी भी कर रहे हैं, शाम को आप लोगों का पॉलिटी के लेक्चर आते हैं तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं, डेली 5 बजे आप लोगों को पॉलिटी के लेक्चर मिल जाते हैं। आज का हमारा रिवीजन का पोर्शन है यहाँ पर, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्सेज स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का लेक्चर है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, लेक्चर का लिंक आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये है फेसबुक का पेज और ये है यहाँ पर टेलीग्राम की प्रोफाइल, तो यहाँ पर टेलीग्राम में भी जाकर मिल जाएगा, सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के जस्ट नीचे मिल जाएंगे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और भी कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर मिल जाती है। योजना के तहत थोड़ा पोर्शन हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों को पता है योजना में हम प्रीलिम्स के थोड़े फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं जो कि योजना में आते हैं, तो एक बार थोड़ी नजर उस पर भी डाल लेते हैं। काफी शानदार और काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ये बोल सकते हैं स्किल फॉर लाइफ सेव ए लाइफ। देखिए नॉर्मली क्या होता है, कई बार आप लोगों को पता नहीं होता है, नॉर्मली अगर हम लोगों को आसपास में अगर किसी को मान लो एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, तो एक्सीडेंट हो गया अगर उस टाइम पर क्या करना है, इमीडिएट सिचुएशन में किसी को सांप ने काट लिया है, किसी बिच्छू ने काट लिया, क्या करना है, किसी कहीं पर आग लग गई है उस टाइम पर क्या करना है, तो ये सारी बातें यहां पर सिखाई जाएगी। स्किल फॉर लाइफ टू सेव ए लाइफ मतलब स्किल दी जाएगी किसी लाइफ को सेव करने के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के द्वारा चलाया जा रहा है। किसी को हार्ट अटैक आ जाता है एकदम, उसके लिए क्या करना चाहिए, पानी में डूब गया है, बिजली ने करंट मार लिया, उसको क्या करना चाहिए, तो स्टार्टिंग का जो 1 आवर होता है उसको गोल्डन आवर बोला जाता है। उस 1 आवर में अगर हम लोग कुछ ऐसा स्टेप ले लेते हैं कि यहां पर इंसान को बचाया जा सके, तो उस टाइम पर उसको बचाया जा सकता है और हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है, वरना इस 1 आवर के टाइम में ही मैक्सिमम लोगों की डेथ हो जाती है। पर लेकिन अगर किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है, उस 1 आवर के बारे में यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। एम क्या है यहां पर, स्किल क्वालिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो प्रोफेशनल ट्रेन किए जाएंगे यहां पर ताकि हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव कर सके और फर्स्ट रेस्पॉन्ड यहां पर किया जा सके। अगर कोई भी इंसान यहां पर इस तरीके से किसी प्रॉब्लम में है, तो कहीं अल्लाह कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि जो गोल्डन आर है उसके लिए यहां पर लोगों को अवेयरनेस फैलाने का भी ये कोशिश की जा रही है और लोगों को और सिटीजनशिप को सिंगल को यहां पर एक तरीके से इंपावर किया जा रहा है ताकि वो फर्स्ट एड दे सके स्टार्टिंग के टाइम पर, वो इमरजेंसी जो गोल्डन आर होता है उसको ढंग से यूटिलाइज किया जा सके। तो इसी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की बात की गई है, ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो दोनों बात याद रखिएगा, इसकी स्कीम का भी नाम और ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डिजी यात्रा के बारे में जिक्र किया जा रहा है, यहाँ पर एक डिजिटल न्यू एक्सपीरियंस की बात की जा रही है जो एयर ट्रेवल करते हैं उनके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो भी आप लोग वहां पर एक्सपीरियंस करते हैं तो उसको यहाँ पर शेयर करने की बात की जा रही है, डिजी यात्रा के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा।
तो यहाँ पर एयर सेवा प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि जो भी आप लोगों के ग्रीवेंसीज है, मतलब यात्रा के ड्यूरेन में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, जो भी ग्रीवेंसीज है सारी बातें आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। सब आप लोग यहाँ पर एक कस्टमर हैंडलिंग कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि आप लोग जाकर वहां पर अपनी ग्रीवेंसीज दे सके, ठीक है, और उनका सोल्यूशन भी वहां पर देने की कोशिश की जाएगी। तो डिजी यात्रा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो जो भी सर्विस प्रोवाइड कराने वाला जो जो भी इंसान वहां पर है, जो भी कंपनी है, सिंगल प्लेटफॉर्म पर सब अवेलेबल होंगे ताकि ग्रीवेंसीज का भी सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। और चाहे किसी भी चाहे जर्नी की किसी भी स्टेज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो सारी चीजों का यहाँ पर ब्यौरा पूरा दिया जाएगा। तो डिजी यात्रा आप लोग याद रखेगा, ये भी स्कीम आप लोगों से डायरेक्ट पूछी जा सकती है किस चीज में है, किस चीज को एम्पावर करने के लिए, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तीन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तीन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कल फिर इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। और क्वेश्चन को देखिए शांति से पढ़ा कीजिए, कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं हफड़ा तफड़ी में पढ़ते हैं और जल्दी से जल्दी आंसर देकर निकल लेते हैं। क्वेश्चन को शांति से पढ़िए, ये तो आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने, और जो एक दूसरे से आप लोग क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं उनको भी आप लोगों को पढ़ना है अच्छे से, ओके। ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे थे, इनके आंसर देख लेते हैं। पहला है यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम फॉर एल्डरली पीपल, तो एल्डरली पीपल के लिए जो नेशनल प्रोग्राम है उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। फ्री स्पेशलाइज हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी एल्डरली पीपल के लिए ऑल ओवर जो स्टेट होता है यहाँ पर उसके तहत ये बात की जा रही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात की जा रही है एल्डरली पीपल को क्या बोला गया है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली होती है बस उनके लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए कोई भी इंसान है जो 60 ईयर से अबव हो चुका है वो एल्डरली की कंडीशन में आ जाता है और सबके लिए एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट बात की जा रही है ई प्राण, इस तरीके की कब कई बार आप लोगों से ये बोल देगा कि ये क्या है, ठीक है, और पूछ लेगा इसके बारे में कि क्या है ये। तो ये लॉन्च किया गया था अटल पेंशन योजना के तहत ताकि यहाँ पर एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया जा सके। तो ये कई बार टेक्निकल टर्म इवन यूपीएससी में पूछी जाती है, बोल देगा ई प्राण क्या है, ये एक लॉन्च मिसाइल है, ये एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो कई बार कई तरीके की स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिल जाती है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी। बात क्या की जा रही है, स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इस स्कीम के तहत फार्मर को यहां पर पे किया जाएगा कितना, 2% फॉर एनी क्रॉप के लिए, जो प्रीमियम है यहाँ पर 2% बोला गया है, एक यूनिफॉर्म, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो 2% है वो है खरीफ के लिए, 1.5% याद रखिएगा इसको, ये है रबी क्रॉप के लिए, और जो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती हैं उनके तहत यहाँ पर 5% है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है यूनिफॉर्म, इस तरीके की स्टेटमेंट तो आप लोग देखकर ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या बात की जा रही है, नेक्स्ट बात की जा रही है पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस होते हैं वो भी कवर किए जाएंगे, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये इसकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है एज कम्पेयर टू जो पहले फसल बीमा योजना हुआ करती थी। तो अगर साइक्लोन जैसे जो कोस्टल एरिया है हमारी कंट्री में आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे कोस्टल एरिया है आप लोग नॉर्मली देखेंगे, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, या फिर आप लोग वेस्ट बंगाल ले सकते हैं, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तो ये सारे जितने भी कोस्टल एरिया यहाँ पर साइक्लोन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, या फिर कोई अनफॉर्चुनेट दूसरी कंडीशन आती है सुनामी टाइप की, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस हो रहे हैं वो भी यहाँ पर कवर किए जाएंगे, ओके। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये क्या हो गया, सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि ये यूनिफॉर्म प्रीमियम नहीं है, ओके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, देख लेते हैं एक बार क्या क्या डिस्कस किया। स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया नेशनल साइंस डे के बारे में, 28 फरवरी को बनाया जाता है, और अब की बार की जो थीम है ये जरूर याद रखिएगा, साइंस एंड द टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा यहाँ पर हम लोगों ने जाना एशियन डेवलपमेंट बैंक और पीएनबी के द्वारा जो साइन की गई थी यहाँ पर जो रूफ प्रोजेक्ट है, सोलर रूफ प्रोजेक्ट है, उसके बारे में जिक्र किया गया था। तो यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देखी, कितना यहाँ पर टारगेट है, इसके अंदर कितना आता है अभी फिलहाल का कितना है, और नेक्स्ट कितना होने वाला है 2022 में, और किसने ईयर में कितना होने वाला है, टोटल हम लोगों ने डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया, कंप्लीट आप लोगों को समझा के यहाँ पर। अगर नेक्स्ट आप लोगों से अगर देखिए कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा डिटेल होनी चाहिए आपके पास में, ताकि उसमें से कोई क्वेश्चन निकाला जाता है आंसर दे सके। यहाँ पर देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, एक्ट के बारे में जाना, ये ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम नहीं है, पानीपत से हरियाणा से स्टार्ट की गई थी, तीन मिनिस्ट्री यहाँ पर है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बने तो आप लोग आंसर देने की क्षमता रखते हैं। यहाँ नेक्स्ट जाना INS कलावेरी के बारे में, तो देख लीजिए प्रोजेक्ट 75 के बारे में भी जाना, टाइगर शार्क हम लोगों ने देखा, फ्रांस और इंडिया के द्वारा दोनों के द्वारा मिलकर काम किया जा रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनग्रेट की गई थी, तो इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने देखी यहाँ पर स्पैरो ITS के बारे में, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, इसके बारे में डिटेल में जाना, ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ये भी आप लोग थोड़ा याद रखेगा, और खासकर जब रिव्यू दिया करता हूं तो थोड़ा आप लोग भी रिकॉल करने की कोशिश किया कीजिए कि क्या क्या बात की गई है पास्ट में, ऐसा नहीं है कि बस जो मैं बताता रहूं आप लोग उसको सुन सुनकर आगे बढ़ते रहे, ठीक है, तो रिकॉल भी आप लोग साथ में करते रहा कीजिए। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, ये है उत्तर प्रदेश की, पूरा डिटेल में हम लोगों ने इसके बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना यहाँ पर ओरिएंटल बैंक के बारे में, इसकी टैगलाइन वगैरह एस्टेब्लिश कहाँ पे किया गया था वो सारी बातें देखी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर सुंदर नर्सरी के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने मुल्ला प्रियार डैम के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा
प्रियार नेशनल पार्क के बारे में, लगते ही हाथों हम लोगों ने दोनों ही निपटा दिए, मुल्ला प्रियार डैम और नेशनल पार्क भी। इसके साथ में हम लोगों ने योजना के तहत कुछ स्कीम्स देखी यहाँ पर, ये थी आप लोगों की, पहली थी यहाँ पर स्किल फॉर लाइफ एंड सेव ए लाइफ, ये हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट आप लोगों यहाँ पर देखने को मिली डीजी यात्रा। इसके अलावा आप लोगों के लिए यहाँ पर ये रिविजन का पोर्शन था जो कि पॉलिटी देख रहे हैं आप लोग, शाम को हम लोग पॉलिटी डिस्कस करते हैं। अभी मैंने राज्यसभा और लोकसभा के बारे में डिस्कस किया था कल के लेक्चर में, और उससे पहले पार्लियामेंट की यहाँ पर टोटल जो पावर होती है वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो शाम को डेली 5 बजे आप लोग पॉलिटी का भी लेक्चर देख सकते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस देखे, जो मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस दिए और जो आप लोग क्वेश्चन दिए थे उनके मैंने आप लोगों को आंसर प्रोवाइड कराए। तो ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फेसबुक पर चीजों को शेयर कर दिया कीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए और स्टूडेंट्स भी इसके बारे में जान सके और वो इंजॉय कर सके। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है और चीजों को शेयर करते रहिए। शेयर करने से आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा पर किसी का फायदा हो जाएगा। ओके, अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए और जो पॉलिथीन है वो बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।